क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर, मान लीजिए -1 to 1 से असंयुक्त एक अंतराल आई हो, यानी कि आई अंतराल ऐसा है जिसमें -1 से 1 के बीच को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि आई में यह फंक्शन जो है आपका ये निरंतर वर्धमान है। चलिए देखते हैं एफ एक्स बराबर में क्या दिया है, एक्स प्लस में 1/x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x का -1/x2। जब यहाँ से एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे हैं ना। चलिए एक काम कर सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर में एक बार एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स प्लस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स का वैल्यू -1 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है, उसके बीच का कोई भी नहीं लेना है, ठीक है। उससे इधर हो सकता है और इधर हो सकता है, यानी 1 से बड़ा ले सकते हैं और -1 से छोटा ले सकते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि एक्स इज लेस देन -1, -1 से छोटा हो, कहने का मतलब -1 से छोटा लेने का मतलब यह हुआ, मैं इसके चिन्ह योजना लिख दूं क्या, उस तरह से ठीक रहेगा, ठीक है। या चिन्ह योजना भी देख सकते हैं इसका रेखा बनाकर, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स का चिन्ह ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए -1 से छोटा, -1 से छोटा -2 हो जाएगा, अगर मान लो मैं -2 रखता हूँ, तो ये निगेटिव होगा, यहाँ रखता हूँ आप -1 से -2 रखता हूँ तो ये भी निगेटिव होगा, और यहाँ -1 से स्क्वायर होने का मतलब है, ये प्लस में आ जाएगा, तो -, -+ ये पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा अब देखिए यदि x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा रखता हूँ तो एफ डैश एक्स का चिन्ह देखिए क्या होता है, ठीक है। अगर मैं 1 से बड़ा रखूँ तो ये पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा, तो दोनों कंडीशन में प्लस में ही आ रहा है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि एफ एफ एक्स जो फंक्शन है, अंतराल आई किसको छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर में निरंतर वर्धमान फलन है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन